राजधानी दिल्ली में लव जिहाद जैसी घटना, दिल्ली के बेगमपुर इलाके में नाबालिग लड़की की हत्या, इसकी बड़ी खबर। आरोपी युवक ने हथौड़े से बेरहमी से हत्या कर दी। आरोपी लाइक खान नाम के युवक पर हत्या का आरोप है। शादी से इनकार करने पर लड़की के घर में घुसकर यह हत्या की गई है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, राजधानी दिल्ली में लव जिहाद जैसी घटना देखने को मिली है। दिल्ली के बेगमपुर इलाके में नाबालिग लड़की की हत्या कर दी गई है। जो आरोपी युवक है उसने हथौड़े से बेरहमी से इस लड़की को मौत के घाट उतार दिया। दिल्ली की बेटी को लव जिहादी ने मारा, जिसे बेटा माना वो बेटी का बना हत्यारा। देश की राजधानी दिल्ली में एक लव जिहादी ने एक माँ से उसकी होनहार बेटी छीन ली, एक भाई से उसकी बहन छीन ली। दिल दहला देने वाली वारदात दिल्ली के बेगमपुर इलाके की है, जहाँ दूसरे धर्म के एक युवक ने महज 17 साल की एक लड़की की बेरहमी से हत्या कर दी। हत्या का आरोप लईक खान नाम के युवक पर है। बताया जा रहा है कि लईक खान लड़की पर जबरन शादी का दबाव बना रहा था, लेकिन जब उसने इनकार कर दिया तो आरोपी ने उसे जान से मारने की साजिश रच डाली। सही जान परचेती साथ में रहते थे, वो दूसरी कंपनी में रहते थे, हम दूसरे मगर एक दूसरे को कहते जान परचा सही थी। आस पड़ोस के रहने वाले थे, एक दूसरे में सब में जान परचा हो जाती है। हाँ भाई सही है। अब ये थोड़ी नहीं पी बताती उसके अंदर क्या चल रहा है क्या नहीं चल, शादी की बात शादी की मने कर दी। दरअसल 19 फरवरी की शाम आरोपी लईक खान लड़की के घर मिलने आया था। घर में नाबालिग लड़की और उसका चचेरा भाई था। लईक ने लड़की के भाई को सब्जी लाने के लिए भेजा। मौके का फायदा उठाकर लईक ने नाबालिग लड़की पर हथौड़े से हमला कर उसकी हत्या कर दी और गेट में ताला लगाकर मौके से फरार हो गया। लड़की का चचेरा भाई जब घर पहुंचा तो घर पर ताला लगा देखा। एक घंटे इंतजार के बाद लड़की के भाई ने ताला तोड़ा तो लड़की घर के अंदर खून से लथपथ पड़ी मिली। आनन फानन में उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने लड़की को मृत घोषित कर दिया। बेटी की मौत के बाद पूरे परिवार का रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि ये दिल्ली की बेटी थी, वो होनहार बेटी जो पढ़ लिख कर कुछ बनना चाहती थी। लेकिन जिस परिवार ने आरोपी लईक खान को बेटा माना, उसी ने उनकी बेटी को छीन लिया और मौत के घाट उतार दिया। उधर पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आरोपी की तलाश में जुट गई है। इनिशियल इन्वेस्टिगेशन से पता चल रहा है कि किसी बात पे उसने इनके ऊपर अटैक किया है हथौड़े से, हैमर से, और जिससे लड़की के सर में चोट आई और उसकी वजह से उसकी डेथ हो गई। पुलिस के मुताबिक 2 साल पहले जब नाबालिग लड़की के पिता की तबीयत खराब हुई थी तो आरोपी ने उनकी मदद की थी, जिसके बाद से ही आरोपी लईक खान लड़की के घर आ जा रहा था। फिलहाल पुलिस पूरे मामले के हर पहलू की जांच कर रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, बंगाल के बशीरहाट में बीजेपी की रथ यात्रा पर हमला किया गया है। टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमला करने का आरोप है। टीएमसी वर्कर्स और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प की भी खबर। पुलिस पर तमाशबीन बने रहने का आरोप। बंगाल के बशीरहाट की एक घटना है, जहां पर बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला हुआ, रथ यात्रा पर हमला किया गया, टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमला करने का आरोप लगा। बंगाल के बशीरहाट में बीजेपी की रथ यात्रा पर हमला, टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमला करने का आरोप, टीएमसी वर्कर्स और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झड़प, पुलिस वहां पर तमाशबीन बनी रही, इस तरह का आरोप पुलिस पर लगाया जा रहा है। टीएमसी वर्कर्स और बीजेपी कार्यकर्ताओं के बीच झगड़ा। तो लगातार पश्चिम बंगाल में जो राजनीतिक हिंसा है वो थम नहीं रही। दूसरी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर रथ यात्रा पर हमला किया जा रहा है, तो टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमला करने का आरोप। हालांकि इससे पहले भी कई बार बीजेपी कार्यकर्ताओं पर हमला किया जा चुका है टीएमसी की तरफ से, और ये लगातार आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए जाते रहे हैं। लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का प्रयागराज दौरा आज हो रहा है। मछुआरों की हमदर्दी बटोरेंगी प्रियंका गांधी वोटराज। नाव तोड़े जाने को लेकर मछुआरों से मुलाकात करेंगी। 4 फरवरी को अवैध खनन की वजह से हुई थी कार्रवाई, दर्जनों लोगों के खिलाफ केस भी दर्ज किया गया है। तो प्रियंका गांधी का आज प्रयागराज दौरा है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी का प्रयागराज दौरा, मछुआरों की हमदर्दी बटोरेंगी। मछुआरों की एक और बड़ी खबर, मेट्रो मैन ई श्रीधरन आज बीजेपी में शामिल होंगे। केरल के कासरगोड में विजय यात्रा के दौरान होंगे शामिल। केरल बीजेपी अध्यक्ष पार्टी की सदस्यता दिलवाएंगे। 88 साल की उम्र में ई श्रीधरन राजनीति में कदम रखने जा रहे हैं। हालांकि आज औपचारिक तौर पर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामते हुए दिखेंगे मेट्रोमैन ई श्रीधरन, आज बीजेपी में शामिल होंगे, इस वक्त की बड़ी खबर।
अशोक की एक और बड़ी खबर, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज हुनर हाट का उद्घाटन करेंगे। दिल्ली के नेहरू स्टेडियम में सुबह 10:30 बजे कार्यक्रम, 26 जनवरी में 600 से ज्यादा कलाकार शामिल होंगे। हुनर हाट का आयोजन वोकल फॉर लोकल थीम पर है। दिल्ली में हुनर हाट का कार्यक्रम 1 मार्च तक चलेगा, जिसका उद्घाटन आज किया जाएगा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज हुनर हाट का उद्घाटन करेंगे। दिल्ली के नेहरू स्टेडियम में सुबह 10:30 बजे का कार्यक्रम है, जब रक्षा मंत्री पहुंचेंगे और इस कार्यक्रम का उद्घाटन करेंगे।